हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी इनी कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि मैंने बहुत पहले अपडेट डाला था, इंदौर के अंदर पुराने नोट्स क्वाइन के एग्जीबिशन लगने वाले थे जिसकी शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2024। दोस्तों इस एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है और मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि बाहर का व्यू नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर बहुत सारे आ रहे तो मेरे पास समय नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करूँ, मैं काउंटर से, मेरे ये बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं, तो मैं सोचा है कि जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको इनका मैं शेयर मतलब एक्सपीरियंस साझा करूं कि कौन सा कलेक्शन आपको करना है और कौन सा नहीं करना है। बहुत सारे मेरे व्यूअर आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं या नए आते हैं, तो वो क्या होता है, कॉमन मार्केट का क्वाइन लेकर आ जाते हैं। अब मतलब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वीडियो देखा, अगर उसको लगता है कि शहर नज़दीक है तो चलो पुराने क्वाइन के एग्जीबिशन लगे, चलो देखता हूँ, अच्छा कीमत मिलता है। दोस्तों कोई भी कलेक्शन करने से पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के आप कलेक्शन करोगे नुकसान होगा, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट होगा। और आपको अगर जानना है कि कौन सा क्वाइन रेयर है, कॉमन है, उसके लिए या तो आपको गाइड बुक खरीदना होगा, या तो आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएनए कलेक्शन देखना होगा, या तीसरा आपको एग्जीबिशन विजिट करना होगा। ये तीन चीज़ के अलावा कुछ भी करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फ़ायदा भी। एग्जीबिशन में आने का चार्ज कोई नहीं लगता है, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर कोई भी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा मांगता है तो समझो आपके साथ फ्रॉड होगा, तो ये सबसे बचे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये एग्जीबिशन चल रहा है। ये पूरा का तो मैं व्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि काउंटर पे छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है और डे है सैटरडे। दोस्तों ये कल तक एग्जीबिशन चलेगा। दोस्तों ये एग्जीबिशन है 5, 6, 7 जनवरी 2023 शाम यानी संडे तक ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई फ्रेंड मेरा वीडियो देखते हैं और उनको आना चाहते हो और स्पेशल MP से, इंदौर नियर अबाउट्स भोपाल से हो, तो एग्जीबिशन का एक फाइनल एड्रेस मैं बता देता हूँ। ये एग्जीबिशन हो रहा है होटल इन्फिनिटी बॉम्बे हॉस्पिटल के अपोजिट रिंग रोड इंदौर। ये एकदम फेमस जगह है, होटल इन्फिनिटी नियर बॉम्बे हॉस्पिटल और रिंग रोड इंदौर में ये एग्जीबिशन हो रहा है। और मेरा स्टॉल नंबर है N3GNA कलेक्शन का। जिस फ्रेंड के पास अच्छा कलेक्शन हो और अच्छा हो तो मोस्ट वेलकम, मेरे से आकर मिल सकते हैं और अगर मुझे जो पसंद आएगा अच्छे प्राइस में मैं बाइंग करूंगा। चलिए अब मैं इन लोगों से बात कराता हूं जो मेरे पास आए हुए हैं। और इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र हमारे नुमिस्मेटिक फील्ड के मनीष जैन जी हैं, राजीव जैन जी हैं, वो भी पुराने कलेक्टर हैं और MP से ही बिलोंग करते हैं। उनसे भी मैं बाद में बात कराऊँगा, पहले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इनसे भी बात कराता हूँ। जी सर, थोड़ा इनका कलेक्शन दिखा दीजिए। देखिए ये कलेक्शन लेकर आए कॉमरेटिव कॉइन, इसमें IOLO है, इसमें तमिल कॉन्फ्रेंस है और इसमें कामराज बॉम्बे है, कामराज हैदराबाद है और इसके बाद में क्या बासेश्वर भी है और इसके बाद में क्या इसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी है, यूनाइटेड नेशन है और उसके बाद में ये भी यूनाइटेड नेशन है और इसको क्या बोलते हैं मदर है, बहुत सारे कॉमरेटिव कॉइन है। तो मैं इनसे थोड़ा बात करता हूँ और बताता हूँ। सर क्या नाम हो आपका? शरद महतो सपकड़े। शरद महतो, थोड़ा सा पीछे से कर लीजिए, शरद महतो माधव। हाँ जब माधव, किधर से आए हैं आप? जलगांव। जलगांव से? तो ये कितना दिन से कलेक्शन कर रहे हैं? ये तो मैं 10 साल से जमा कर रहा हूँ। अच्छा, 10 साल से कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको कलेक्शन करने से फायदा हुआ या नहीं है? फायदा मैंने बेचे नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, तो जो सिर्फ आप कलेक्शन कर रहे हैं, तो जब तक आपको कैसे पता चीज़ कि मैं जो चीज़ कलेक्शन कर रहा हूँ वो मुझे प्रॉफिट देखा कि नहीं, कैसे? बुक से मालूम गिर रहा ना कि कॉइन अवेलेबल होता है, कर रहा है। चलिए, इन्होंने बुक खरीदा है, गाइड बुक, मतलब कहीं ना कहीं जाकर और तब कलेक्शन किया, तभी इनको वैल्यू मालूम होगा। ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी खरीदेंगे तो नुकसान होगा। जो वैल्यूएबल कॉइन है वही जमा करे मैंने, जो कॉमन कॉइन है वो लाए नहीं। तो उन्होंने वही कॉइन जमा किए जो वैल्यूएबल है, यानी आसानी से बिक जाते हैं, कॉमन कॉइन नहीं। कॉमन कॉइन कौन है और नोट्स, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ब्लाइंडली बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर है जो वीडियो बना के डाले हैं कि 5 रुपया ट्रैक्टर वाला नोट, माता वैष्णो देवी वाला नोट का कीमत अच्छा होता है, ये सब झूठ बातें हैं। माता वैष्णो देवी का सिक्का का कोई वैल्यू नहीं है, 5 रुपये ट्रैक्टर वाले का कोई वैल्यू नहीं है, गेंडे वाले का कोई वैल्यू नहीं है, H मिंट मार्क वाले का कोई वैल्यू नहीं है और कॉमन में एंडिंग 786 हो किसी नोट में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कलेक्शन हो तो मत आना लेकर। यो आज के टाइम में जो मार्केट में क्वाइन चलता है, पीले वाले, ये स्टील वाले विदाउट चित्र वाले, और ये पीले वाले तो 5-10 का कोई भी नहीं बिकता है। प्लीज़ वैसा हो तो मत लेकर आइए, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। भाई दूसरा वहाँ पे सट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये मैंने इनका कलेक्शन देखा। एक और चीज़,
एक और चीज़ देखता हूँ दोस्तों, कोई भी कलेक्शन करेंगे या वाश नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया है मेरे, अब ये तो बोल रहे वाश नहीं किए हैं लेकिन इनका कलेक्शन में वाश है, और वाश करने के बाद क्या होता है इसका सेल जल्दी हो नहीं पाता है। मतलब कोई भी लेंगे अलग अलग इसका वैल्यू होता है, तो जो भी आपके पास कलेक्शन हो प्लीज़ वाश नहीं कीजिएगा। तो ये दूर से आए थे तो मैंने सोचा जरा इनका मैं इनसे वीडियो बना लूँ। अब जैसे ये देखिए, ये तो है बॉम्बे कामराज है लेकिन ये क्या है थोड़ा सा वाश किया हुआ है, और वाश करने से वैल्यू गिरता है और इसकी लाइफ में क्या होता है इसका बाद में फ्यूचर में इसका कलर चेंज हो जाता है, एयर जब लगेगा तो कंडीशन चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम कल मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आगे दाएँ बाएँ बहुत सारे स्टॉल हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी जानकारी के लिए किसी भी चीज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।